देश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक इस जानलेवा कोरोना ने 1694 लोगों को जान ले ली है। सरकारी आंकड़े की माने तो अभी तक 49,391 लोगों को कोरोना हो गया है, जिसमें 14,183 लोग ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में कोरोना के मरीजों का मिलना जारी है। इस बीच तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी 30 मई तक लॉकडाउन का तिथि बढ़ा दी गई है। और हम एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरे देश में जो मामले हैं 49,391 मामले हैं, जिसमें 14,183 लोग ठीक हुए हैं और 1,694 लोगों की मौत हुई है। अब आइए चलते हैं पूरे राज्यवार विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार में 33 मरीज सामने आए, जिसमें 32 ठीक हो गए हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश में चलते हैं, आंध्र प्रदेश में 1,717 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 579 मरीज ठीक हुए हैं और 36 की मौत हुई है। चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, अरुणाचल प्रदेश में एक मरीज सामने आया और वो भी ठीक हो गए हैं और किसी की मौत नहीं हुई। चलिए, पूरी तरह से कोरोना मुक्त है अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं असम की ओर, असम में 43 मरीज सामने आए, जिसमें 32 डिस्चार्ज हुए हैं और एक की मौत हुई है। अब चलते हैं बिहार की ओर, बिहार में 536 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 142 मरीज ठीक हुए हैं और 4 की मौत हुई है। अब चलते हैं चंडीगढ़ की ओर, चंडीगढ़ में 111 मरीज सामने आए, जिसमें 21 ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, छत्तीसगढ़ में 59 मरीज सामने आए, जिसमें 36 ठीक हुए हैं और किन्हीं की मौत नहीं हुई है। जहां छत्तीसगढ़ का एक बार फिर देख लें आंकड़ा, 59 मरीज सामने आए, जिसमें 36 ठीक हुए हैं, किन्हीं की मौत नहीं हुई है। चलते हैं दादर नगर हवेली, जिसमें एक मरीज यहां सामने आ रहा, वो भी ठीक हो गए। चलिए, पूरी तरह से कोरोना मुक्त है ये। अब चलते हैं दिल्ली की ओर, दिल्ली में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। यहां पर 5,104 मामले सामने आए कोरोना के, जिसमें 1,468 लोग ठीक हुए हैं और 64 की मौत हुई है। चलते हैं गोवा की ओर, गोवा में 7 मरीज सामने आए और 7 ठीक हुए हैं। जी हां, पूरी तरह से कोरोना मुक्त राज्य है गोवा। अब चलते हैं गुजरात की ओर, गुजरात में 6,245 मरीज सामने आए, जिसमें 1,381 मरीज ठीक हुए हैं और 368 की मौत हुई है। यहाँ गुजरात में काफ़ी विकट स्थिति है और इस पर अभी काफ़ी कुछ गुजरात में करने की ज़रूरत है, वहाँ पर श्रमिक भी काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ, आप चलते हैं सीधे हरियाणा की ओर, हरियाणा में 548 मरीज सामने आए, जिसमें 256 ठीक हुए हैं और 6 की मौत हुई है। चलते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 42 मरीज सामने आए, जिसमें 38 ठीक हुए हैं और 2 की मौत हुई है। चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जम्मू कश्मीर में 741 मरीज सामने आए, जिसमें 320 ठीक हुए हैं और 8 की मौत हुई है। अब चलते हैं झारखंड की ओर, झारखंड में 125 मरीज सामने आए, जिसमें 33 ठीक हुए और 3 की मौत हुई है। चलते हैं कर्नाटक की ओर, कर्नाटक में 671 मरीज सामने आए, जिसमें 331 ठीक हुए हैं और 29 की मौत हुई है। चलते हैं केरल की ओर, केरल में 502 मरीज सामने आए। जी हाँ, यहाँ सबसे पहले कोरोना मरीज सामने आए थे, लेकिन 502 मरीज सामने आए हैं, जिसमें अभी 462 ठीक हुए हैं और 4 की मौत हुई है। चलते हैं लद्दाख की ओर, लद्दाख में 41 मरीज सामने आए हैं और जिसमें 17 ठीक हुए हैं, किन्हीं की मौत नहीं हुई है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, मध्य प्रदेश में 3,049 मरीज सामने आए, जिसमें 1,000 मरीज ठीक हुए और 176 लोगों की मौत हुई है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, सबसे विकट स्थिति, यहां रुकने का नाम नहीं लाया। यहां पर 15,525 मरीज सामने आए, इसमें 2,819 मरीज ठीक हुए हैं और 617 की मौत हुई है। अब चलते हैं मणिपुर की ओर, मणिपुर में 2 मरीज सामने आए और दोनों ठीक हुए। जी हां, पूरी तरह से कोरोना मुक्त राज्य है ये। अब चलते हैं मेघालय की ओर, जी हां, नॉर्थ ईस्ट में ही 12 मरीज सामने आए, जिसमें कोई ठीक नहीं हुआ और 1 की मौत हुई है। अब चलते हैं मिजोरम की ओर, मिजोरम में 1 मरीज सामने आए और वो भी अभी ठीक नहीं हुए हैं। चलते हैं ओडिशा की ओर, ओडिशा में 175 मरीज सामने आए, जिसमें 60 ठीक हुए और 1 की मौत हुई है। अब चलते हैं पुडुचेरी में 9 मरीज सामने आए और जिसमें 6 मरीज ठीक हुए हैं और किन्ही की मौत नहीं हुई है। और पंजाब की ओर चलते हैं, पंजाब में 1,451 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 133 ठीक हुए हैं और 25 की मौत हुई है। अब चलते हैं राजस्थान की ओर, राजस्थान में 3,158 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 1,525 मरीज ठीक हुए हैं और 79 मरीज की मौत हुई है। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर, तमिलनाडु में 4,058 मरीज सामने आए, जिसमें 1,485 मरीज ठीक हुए हैं और 33 की यहां मौत हुई है। चलते हैं तेलंगाना की ओर, जी हां, तेलंगाना में
लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया गया है और वहां भी मरीज सामने लगातार आ रहे हैं। अभी जो मरीज सामने आए हैं 1096 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 585 मरीज ठीक हुए हैं और 29 की मौत हो गई है। अब चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में 43 मरीज सामने आए, इसमें 2 ठीक हुए हैं, किन्हीं की मौत नहीं हुई है। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में 61 मरीज सामने आए, इसमें 39 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मौत हो गई है। चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहां भी काफी मरीज सामने आए हैं और लगातार आ रहे हैं। 2880 मरीज सामने आए हैं, 987 मरीज ठीक हुए हैं और 56 की मौत हुई है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां काफी विकट स्थिति है, क्योंकि यहां लगातार मौतें हो रही हैं। और यहां जो मरीज सामने आए हैं अभी तक, 1344 मरीज सामने आए, 364 ठीक हुए और 140 मरीज की मौत हुई है। जिस लगातार से यहां पर मौत हुई है, उसके बाद काफी कुछ कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से कोरोना कहीं सोशल में तो नहीं पहुंच गया। चलिए हम टोटल आपको बताते हैं कि भारत में अभी तक जो आए हैं मरीज सामने, 49,391 मरीज सामने आए, जिसमें 14,183 मरीज ठीक हुए और 1,694 लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरा सिनेरियो था पूरे देश का और स्टेट वाइज हमने आपको जानकारी दी। नमस्कार।